बड़े बड़े संदिग्ध लोग देखे हैं मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा आज तक नहीं देखा। तुमने एक बार भी मेरी खैरियत नहीं पूछी, ना ही फोन किया, ना यहां आई मुझसे मिलने। तुम बात तो कर सकती हो ना मुझसे। तुमने मेरे साथ जिंदगी ना गुजारने का वादा किया है, बात ना करने का वादा तो नहीं किया ना। कैसे हो? पहले बीमार था, अब तुम्हारी आवाज सुन के ठीक हो गया। बातें बनाना आ गई है तुम्हें। एक तुम ही तो जो मेरी बातों को बहुत अच्छी तरह समझती हो। कहीं और शादी कर रही हूँ बिना तुम्हें पता है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, मेरा दिमाग बिल्कुल व्हाइट वॉश हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कुछ नहीं जानता, सिवाय एक चेहरे के, और वो था तुम्हारा चेहरा। एक्सीडेंट के वक्त मुझे लगा शायद मैं मर जाऊंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा याद था। मैं बच गया हूं तो मैं सोचता हूं मैं बच क्यों गया। मुझे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा नहीं जी सकता यार। कभी कभी जो हम मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हमारे नसीब में नहीं होता। दीना दीना मत करो मेरे साथ ये ज्यादती। तुम किसी और से शादी करके मुझे सूली पे चढ़ा दोगी। क्या करूं? मेरे इख्तियार में नहीं है ये सब। दीना मैं अम्मी को फिर भेजूंगा खालू और खाला के पास, वो एक बार फिर उनसे बात करेंगे। I'm sure इस बार वो मान जाएंगे, है ना? नहीं, इस बात का कोई फायदा नहीं है कि मेरे इनकार का मतलब इनकार ही। सोचा था रोएंगे ना, फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। करेंगे ना मुझसे खता क्या।